इसीलिए उन्होंने एमएसई में सेक्टर की डेफिनेशन भी चेंज करी, बिल्कुल उसको जैसे अनिल जी बता रहे थे उसको फाइनेंस करने की कोशिश भी की। तो एमएसई सेक्टर में जो जीएसटी काउंसिल के सामने दो अहम मुद्दे हैं, एक तो है कंप्लायंस बर्डन, एक है टैक्स रेट। तो कल जो फैसले किए गए वो एक कंप्लायंस बर्डन के बारे में किया गया। मैंने कहा ना 3 साल हो गए, बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर की रिटर्न फाइल नहीं हो पाई, लेट हो गई, अब उसकी पेनल्टी 200 रुपए पर डे के हिसाब से बहुत हैवी पेनल्टीज बनती हैं, तो उसको राहत देने के लिए कंप्लायंस बर्डन के बारे में तो कल जीएसटी काउंसिल ने फैसले लिए। ये चारों जो फैसले जीएसटी काउंसिल के हैं ये बिल्कुल आप देखेंगे कंप्लायंस से रिलेटेड है कि भाई अगर आपकी कोई डिफॉल्ट हो गया पिछले 3 सालों में तो आपने नहीं भरा है, आगे भर दीजिए, तो उसको अपने लेट फी को घटा दिया है। अब आपका सवाल है कि एमएसएमई सेक्टर की प्रोडक्शन को कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, ये मान के चलिए कि साहब एमएसएमई सेक्टर के पास COVID-19 के जब लॉकडाउन होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके पास फंड फ्लो नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। जो लार्ज सेक्टर होते हैं उनके पास पास सेविंग होती है। मैं उसका एक एग्जाम्पल दूसरे ढंग से देता हूँ। देखिए विश्व भर में कंट्री दो तरह के माने जाते हैं, डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन। जो लेकिन डेवलप्ड नेशन है जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उनके पास पास रिसोर्सेज इतने पैसे हैं कि वो लोगों को राहत बांटने के लिए उस रिसोर्सेज से पैसे बांट देते हैं। लेकिन डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, उनके पास तो जो ईयरली इनकम होती है उसी से सरकार का खर्चा चलता है, उसी से सैलरी बढ़ती है, उसी से सारी सरकार की ग्रोथ होती है। इसी तरह से एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके पास पास ऐसे फंड नहीं है, उसके पास करंट ईयर के इश्यूज है, करंट ही वर्किंग है। अब सवाल आया कि मार्च अप्रैल मई में जो लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से उनकी सेल नहीं हुई, तो उनकी वेजेस का बिल है, रेंट के बिल है, ये इश्यू है, ये इस और साथ के साथ डिमांड में बहुत भारी कमी आ गई। तो अब हमें डिमांड को बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस की वर्किंग है ताकि कंज्यूमर उस चीज को खरीदे। जैसे अनिल जी ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि अगर जैसे मोटर कार के ऊपर आज की डेट में या कुछ और आइटम ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि लोगों ने डिसीजन पोस्टपोन कर दिए हैं कि शायद हमारे पास अभी नहीं लेंगे।